नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की अथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात होगी मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश ने एक बदलाव कर दिया था। मध्य प्रदेश के बहुत सारे राज्यों ने ऐसे बदलाव कर दिए थे ताकि वहाँ की भर्तियों में दूसरे राज्यों के जो छात्र हैं वो आवेदन ना कर सकें। मध्य प्रदेश ने किसी भी भर्ती में जब आवेदन करना होता था उसके पहले एक रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था वहीं के रोजगार कार्यालय में, लेकिन अब मध्य प्रदेश ने एक बदलाव कर दिया है जिससे दूसरे राज्यों के जो छात्र हैं वो अब आवेदन कर सकेंगे। यानी कि जो अप्रत्यक्ष रूप से जो रोक लगाई गई थी वो अब हटा दी गई है और मध्य प्रदेश से जो अभी लोक सेवा आयोग PCS का जो फॉर्म आया था उसकी विंडो फिर से खोल दी गई है। अब किसी भी राज्य के छात्र बिना रजिस्ट्रेशन के आवेदन कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि बाहरी अभ्यर्थियों के लिए अब रोजगार पंजीयन अनिवार्य नहीं है। रोजगार कार्यालय में जो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था इसकी जो बाध्यता थी वो हटा दी गई है। प्रदेश के बाहरी राज्यों के भर्तियों के लिए दोबारा आवेदन करने के लिए लिंक फिर से खोल दी गई है। मध्य प्रदेश में 283 पदों के लिए PCS का जो विज्ञापन है वो जारी हुआ है और अब विद्यार्थी वहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। लिखा मामले में कोर्ट ने पहले से ही PCS व शासन को निर्देश दिए थे लेकिन PSC तब नहीं माना था। अब मामला अलग अलग स्तर पर उठने के बाद उसने गुरुवार देर शाम को नया आदेश जारी कर दिया है। PSC में इन दोनों परीक्षाओं के लिए आवेदन की प्रक्रिया 10 जनवरी से 9 फरवरी तक चली थी। राज्य सिविल सेवक में कुल 283 पदों के लिए भर्तियां होनी है। जून में इसका प्री एग्ज़ाम होना है। उसके लिए प्रदेश के सभी जिलों में सेंटर बनाए जाएंगे। करीब 3 लाख विद्यार्थी इसमें भाग लेंगे। एज वगैरह वही है जो उत्तर प्रदेश में होती है, 21 से 40 वर्ष की आयु रखी गई है। 1 जनवरी 2022 से आयु की गणना की जाएगी। आवेदन करने के लिए जो विंडो दोबारा खोली गई है तो याद रखिएगा यहाँ पर कि दो, ये लिखा हुआ है कि 2 से लेकर के 11 मई तक आवेदन जो है वो विद्यार्थी कर सकेंगे। अगली सूचना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। अमर उजाला की ये न्यूज है। इसमें लिखा हुआ है कि इंटर कॉलेजों को मिलेंगे 1597 प्रवक्ता, हो चुकी हैं 2 परीक्षाएं। GIC में 1473 पदों का परिणाम जारी होगा। आश्रम पद्धति के इंटर कॉलेज में है खाली 124 पद। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रदेश के राजकीय इंटर कॉलेजों या GIC और राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेजों को इस साल 1597 प्रवक्ता मिल जाएंगे। इसके लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से 2 अलग अलग परीक्षाएं आयोजित की गई हैं। GIC में प्रवक्ता के पदों में भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा भी हो चुकी है और राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज में प्रवक्ता की भर्ती की मुख्य परीक्षा 1 मई से शुरू होगी। तो भर्ती प्रक्रियाओं में बदलाव किया गया है। पिछले कुछ दिनों में लिखित परीक्षा करवाई गई, पहले अकेडमी की तहत के आधार पर भर्तियाँ हुआ करती थी और इसके बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के बारे में भी आज के समाचार पत्रों में यहाँ पर जानकारी दी गई है। लिखा है 3 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 35 पदों पर चयन हुआ है। अशासकीय कॉलेजों में सांख्यिकी संगीत पादप रोग विषय में होगी भर्ती। रिजल्ट घोषित और जिनका जो चयनित हुए हैं उनका यहाँ पर नाम भी लिखा हुआ है। लिखा उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या 50 के तहत प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में 3 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 35 पदों पर अंतिम चयन परिणाम शनिवार को घोषित कर दिया है। तो ये जो परिणाम है वेबसाइट पर दे दिया कि आप लोग जाकर के वहाँ पर दे सकते हैं। वैसे यहाँ पर नाम भी लिखा हुआ है। आज के समाचार पत्रों में JSSC यहाँ पर लिखा हुआ है में करें आवेदन। झारखंड से भर्ती है, 991 पदों के लिए ये भर्ती निकली हुई है और लिखा हुआ है सब डिवीज़न क्लर्क और स्टेनोग्राफर के पदों पर ये भर्ती है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित कर दी गई है और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई जिसे आप लोग दे सकते हैं। आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो 19 जून रखी गई है। निगेटिव मार्किंग रहेगी, 120% पूछे जाएंगे। आवेदन शुल्क 100 रुपये का है और ये वेबसाइट जिसे देख लीजिए, इस वेबसाइट पर जाकर के आप लोग विस्तृत नोटिफिकेशन भी दे सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। समाचार पत्रों में तो जानकारी नहीं दी गई है ज़्यादा इसके बारे में, लेकिन कुछ पुख्ता जानकारियां UP SSC की मिली हैं। पुख्ता जानकारी ये है कि एक तो PET का जो विज्ञापन है वो जून लास्ट में या जुलाई के फर्स्ट वीक में जारी हो जाएगा। ज़्यादा संभावना है 90% की जून के महीने में ही UP SSC PET सेकेंड के जो आवेदन है वो लेने शुरू हो जाएंगे और ज़्यादातर भर्तियों के जो नोटिफिकेशन है वो दूसरे PET के बाद में ही जारी होंगे। हालांकि अभी ये जो मई का महीना चल रहा है इसमें एक भर्ती के जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो सकता है और लोअर की ये जो भर्ती आनी है, बाल विकास की जो भर्ती आनी है, ये सभी भर्तियाँ और जो एग्रीकल्चर की जो भर्तियाँ आनी हैं
एजीटीए वाले जो आंदोलन कर रहे थे जो विद्यार्थी, इनके सबके अध्याचन आ गए हैं और ये सभी भर्तियां इसी साल जो है वो नए वाले पीटी में आएंगी। अभी यूपी ट्रिपल एससी ज़्यादातर नई भर्तियों में काम नहीं करेगा, अभी पुरानी बहुत सारी भर्तियां जिनको कंप्लीट करना है, उनके परिणाम जारी करना है और उनके एग्जाम्स करवाने हैं और इसके बाद में अगले महीने से ही यानी जून के महीने से ही पीईटी में काम शुरू हो जाएगा और वो जो फिर पीईटी हो जाएगा उसके बाद में जो नई भर्तियों के विज्ञापन है वो निकलने शुरू हो जाएंगे। चाहे वो वीडियो के बारे में जो भी जानकारी मिली थी, वीडियो की नई भर्ती वो नहीं है जो कोर्ट में चल रहा मामला, वीडियो की नई भर्ती का विज्ञापन हो, लोअर की नई भर्ती का विज्ञापन हो, ऐसा नहीं है कि ये जो UDA LDA का जो नोटिफिकेशन आया है तो उसमें पूर्ति निरीक्षक की भर्ती जोड़ दी गई है, तो बहुत सारे लोगों को ये कहना था कि क्या लोअर की भर्ती नहीं आएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पूर्ति निरीक्षक बहुत ज़रूरी था इसलिए उसको इसमें ऐड किया गया है, लेकिन लोअर की एक बम्पर भर्ती, बड़े पदों की जो भर्ती है वो आपको इसी साल देखने को मिलेगी पीईटी के बाद, तो लोअर की भर्ती भी आपको देखने को मिलेगी, वीडियो की भर्ती भी देखने को मिलेगी। बाल विकास पुष्टाहार विभाग से जो अध्याचन आया है बहुत सारे पदों का वो भी भर्ती देखने को मिलेगी। एग्रीकल्चर जो कृषि वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए भी भर्ती देखने को मिलेगी। IERT से विज्ञप्ति निकली है, लिखा है IERT प्रवेश परीक्षा 2022 तीन सेमेस्टर की का ये कोर्स होता है और इसकी जो लास्ट डेट है वो दो, यहाँ पर देख लीजिए, दो अप्रैल से शुरू होकर के 31 मई इसकी जो लास्ट डेट है वो रखी गई है, तो 31 मई के पहले पहले विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आने वाली भर्ती RO ARO की। इस बार उत्तर प्रदेश में दो बड़ी भर्तियां आने वाली हैं, एक तो जो लोअर की भर्ती आएगी उसमें पदों की संख्या ज़्यादा होगी, लोअर की भर्ती तो आएगी UPSSC से, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जो RO ARO की नई भर्ती आनी है उसमें भी पदों की संख्या बहुत ज़्यादा होगी। पिछली बार पदों का जो अध्याचन है वो उतना नहीं आ पाया था, इसलिए केवल और केवल 250 पद ही हो पाए थे जो फ्रेश पद थे, और इस बार जो पदों की संख्या है वो ARO की भी ज़्यादा होगी, RO की भी ज़्यादा होगी। अभी कुछ दिन पहले ही समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि सचिवालय में लगभग 3000 जो पद हैं वो रिक्त हैं, और मुझे जो जानकारी मिली है कि अप्रैल के महीने से ही नया जो अध्याचन है वो सचिवालय इत्यादि से भेजा जाता है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने आदेश भी जारी किया था विभिन्न विभागों में प्रमोशंस को लेकर के, DCP को लेकर के, तो वो काम अंतिम चरण में है और बहुत सारे विभागों का काम पूरा भी हो गया है, तो अप्रैल के बाद में जून या जुलाई के महीने में जो अध्याचन है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पहुंच जाएगा। अब पद जो पुरानी भर्ती में जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि मुख्य परीक्षा भी हो चुकी है, अब केवल जो भी पद आएंगे वो नई भर्ती के आएंगे, इसलिए इसका जो अध्याचन है वो इस साल लगभग 400 से 500 पदों का जो अध्याचन है वो कम से कम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में आ जाएगा। ये देख सकते हैं समाचार पत्र के माध्यम से भी यहाँ पर ये जानकारी दी गई थी कि सचिवालय में रिक्तियों की स्थिति है, समूह का खा गा घा, और यहाँ पर जो रिक्त पद हैं ये आप लोग देख सकते हैं 3528 जो पद हैं वो सचिवालय में रिक्त हैं। सचिवालय के अलावा भी बहुत सारे विभाग होते हैं जहाँ से RO ARO के जो पद हैं वो भेजे जाते हैं, चाहे वो राजस्व विभाग हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो या अन्य विभाग हो। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन सभी विभागों से ये भी कहा था कि आप लोग 31 मई तक इसका जो अध्याचन है, जितने भी रिक्त पद हैं ये सभी अध्याचन आयोग को भेज दें, तो इस महीने ही अध्याचन जो है वो पहुंच जाएंगे। अब ये देखने वाली बात है कि इन भर्ती के जो विज्ञापन है वो कब तक आएंगे, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी में मुझे जो सूचना मिली है कि इस बार जो RO ARO की जो भर्ती होगी वो अब तक की सबसे बड़ी भर्ती होगी। मुख्यमंत्री ने जो आदेश दिया था अध्याचन भेजने के लिए उसमें ये भी कहा था कि 2022-23 की जो रिक्तियां हैं उसको भी जोड़ लिया जाए, यानी कि जो रिटायरमेंट जिनका होना है उनको भी जोड़ लिया जाए और जिनका प्रमोशन होना है उनका भी जो पद है वो जोड़ लिया जाए। ये देखिए नीचे लिखा है कि 2022 और 23 की रिक्तियों के सापेक्ष 31 मई तक भेजें प्रस्ताव। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो, तो लाइक अवश्य कर दिया करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।